गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम योर हिस्ट्री चैनल एबीएस सेंटर कॉलेज अचलपुर अमेठी। अभी तक हमने दो टॉपिक में अध्ययन किया जो है, हमने पहला टॉपिक अपना नरेशन खत्म किया। नरेशन करने के बाद हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो भी हमने खत्म किया। अब हम जो है छोटी छोटी बेसिक चीजें जो हम नाइन्थ में पढ़ चुके थे उसका हम रिविजन करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया होती है। तो जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसके डिफिनेशन जो है इंग्लिश में देखते हैं तो अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल समथिंग, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। ठीक, अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब मतलब की क्रिया, इज अ वर्ड एक शब्द है यूज टू टेल जिसका प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए समथिंग कुछ, अबाउट के बारे में, अ पर्सन एक व्यक्ति और थिंग यानी कि क्रिया वह है जो किसी व्यक्ति के या फिर किसी वस्तु के बारे में बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या ले लिया? श्याम गोज, श्याम जाता है। अब यहाँ पे देखो श्याम के बारे में क्या बताया जा रहा है? श्याम के बारे में ये बताया जा रहा है कि श्याम क्या करता है? जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वही हमारा क्या होता है? क्रिया कहलाती है ना। तो क्रिया क्या हो गई? गोज हो गई, गोज ही तो हो गई क्रिया। श्याम क्या कर रहा है? श्याम जा रहा है। तो यहाँ पे श्याम हमारा जो है नाउन है और जो है ये गोज क्या है? ये वर्ब हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि वर्ब होती क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे, फर्स्ट हेडिंग हमारी जो रहेगी, फर्स्ट हेडिंग हमारी पढ़ेगी काइंड्स ऑफ द वर्ब। ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया की भेद। ठीक, काइंड्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के भेद, क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो नॉर्मली ये कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। ठीक है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। पहली कौन सी? पहली होती है ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरी हमारी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी हमारी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक, तीसरी हमारी कौन सी होती है? तो तीसरी हमारी होती है लिंकिंग वर्ब, तीसरी हमारी होती है लिंकिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं कौन सी क्रिया? जिसको हम बोलते हैं संयोजक क्रिया, जिसको हम कहते हैं कौन सी? संयोजक क्रिया। ठीक, और चौथी हमारी कौन सी होती है? चौथी और लास्ट हमारी होती है एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, एक्सिलरी। इसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक, चार होती है हमारी। पहली कौन सी? पहली ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। दूसरी होती है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कौन सी? अकर्मक क्रिया। तीसरी हमारी होती है लिंकिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं क्या? संयोजक क्रिया। और चौथी होती है एक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? चौथी, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। अब देखो स्टार्टिंग की जो दोनों है इसमें क्या आया? कर्म आया है। तो कर्म को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्म को हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म होता है। तो जो स्टार्टिंग की दोनों हमारी है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ये दोनों किसके आधार पर होती है? ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के आधार पर होती है। तो वैसे तो हमारी क्रिया कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है, लेकिन कर्म के आधार पर हमारी क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कर्म के आधार पर हमारी क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक, पहली जो है अब हम एक का अध्ययन करेंगे वन बाय वन। तो पहली हम कौन सी पढ़ेंगे? पहली हम पढ़ेंगे जो है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, पहली हम पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। फर्स्ट कौन सी? ट्रांसिटिव।
कर्म, जिसको हम बोलते हैं सकर्म क्रिया। अब इसमें देखो क्या होता है, जिस क्रिया का कर्म दिया होता है उसे क्या कहते हैं, सकर्म क्रिया कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जिस क्रिया का, जिस क्रिया का कर्म दिया हुआ होता है, ठीक, जिस क्रिया का कर्म दिया हुआ होता है उसे ट्रांसिटिव तो जिस क्रिया का कर्म दिया होता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। कर्म मतलब जिसने उसका काम दिया है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। आप समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे, ठीक, एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस ले लिया, मोहन प्लेड क्रिकेट, ठीक, हमने ले लिया मोहन प्लेड क्रिकेट, ठीक। फर्स्ट सेंटेंस हमने ले लिया मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन क्या करता है, मोहन मैच खेलता है। अब यहाँ पे देखो हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें कर्म दिया है कि नहीं दिया है। तो पहचानने का एक तरीका होता है, क्या होता है, हमें इसकी हिंदी निकालनी पड़ती है पहले हम इसकी मीनिंग निकालेंगे। मीनिंग निकालने के बाद इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक, कैसे, जैसे मोहन मैच खेलता है, ठीक, ये हो गया। तो इसमें हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, मोहन क्या खेलता है, ठीक, ये आपका हो जाएगा क्या, मोहन क्या खेलता है। अब यहां पे देखो ये प्लेयर तो सबको पता है कि कौन सी है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, पर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, क्रिकेट है। लेकिन हमें पता कैसे करना है, तो क्वेश्चन बनाएंगे क्या, मोहन क्या खेलता है, तो मोहन क्रिकेट खेलता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जो हमें दिया गया वो क्या है, क्रिकेट ही तो है, क्रिकेट ही तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मोहन क्या खेलता है, तो मोहन मैच खेलता है। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक हमने ले लिया रामा गे हरी आ बो। अब इसकी हिंदी देखो, रामा गे हरी अब बुक, रामा ने हरी को क्या दिया, एक किताब दी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट निकालना है। वैसे तो देखने में हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, बाबू आ रहा है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ट्रांसिटिव वर्ब है या नहीं है। तो इसका भी क्वेश्चन बनाएंगे कि राम ने हरी को क्या दिया, राम ने हरी को क्या दिया, तो राम ने हरी को क्या दिया था, एक बुक दी थी ना, तो वही हमारा क्या हो गया, बुक ही क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो यही समझ में आ गया ना, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिस क्रिया का कर्म दिया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे पहले में कर्म दिया गया था क्या, क्रिकेट, और दूसरे में क्या दिया गया था, अब, यानी कि पहले में मोहन क्रिकेट खेलेगा और दूसरे में रामा जो है वो हरी को क्या दे रहा है, किताब दे रहा है। अब दूसरे हम पढ़ेंगे, दूसरी वर्ब हमारी जो है ठीक। तो यहां पे इसमें क्या होता है, जिस क्रिया का, जिस क्रिया का कर्म नहीं दिया होता है, जिस क्रिया का कर्म नहीं दिया होता है उसे कौन सी वर्ब कहते हैं, उसे इनट्रांसिटिव, उसे इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। जिस क्रिया का कर्म नहीं दिया होता है उसे कौन सी, उसे इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब एग्जांपल लेंगे, फिर से इसको भी समझेंगे। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम, तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे द बॉय रन्स, द बॉय रन्स, ठीक। दूसरा हम ले
पीला ओक्स। दूसरा हम यहीं पे ले रहे हैं सीला ओक्स। ठीक, अब इसको समझेंगे, इसको समझना कैसे है। तो यहां पे देखेंगे द बॉय रन्स, बच्चा दौड़ता है, ये तो हमने दिया कि बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन ये नहीं दिया गया कि कहां दौड़ रहा है। ठीक, हमें ये तो दिया है कि बच्चा दौड़ रहा है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि कहां दौड़ रहा है। तो इसका कर्म निर्धारित है कि क्या कर रहा है, कहां दौड़ रहा है। दौड़ने को क्या, वो छत पे दौड़ रहा है, जमीन पे दौड़ रहा है, कहीं का तो दिया होना चाहिए ना, सड़क पर दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया गया कि बच्चा दौड़ रहा है। तो कन्फर्म थोड़ी है इसका, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया कि बच्चा मैदान में दौड़ रहा है। अगर मैदान में दिया गया होता तो मैदान ही क्या हो जाता, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, कर्म हो जाता है। यहाँ पे तुम्हें दिया गया था सीला को, सीला पकाती है। अब क्या पकाती है, सीला का तो पता नहीं क्या पकाती है, अगर पता होता हमें कि अगर यहाँ पे अगर दे दिया गया होता सीला बुक्स फूड, सीला खाना पकाती है, तो पकाना जो है क्या, खाना, तो खाना उसका पकाना क्या हो जाता, कर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे से क्या दे दिया गया, सीला बुक्स, सीला पकाती है, क्या पकाती है हमें ये पता नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमें ट्रांसकीपर, ये और इनट्रांसकीपर, दो चीजें हो गई। अब आगे एक चीज हम ये पढ़ेंगे, नोट्स को नोट पॉइंटर भी देखेंगे, नोट पॉइंट करके हमारा ये होगा, जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी उसी का एक पॉइंट है जो हम नोट पॉइंट करके देखेंगे। नोट पॉइंट करके क्या देखना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ सकर्मक, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ, जिनके साथ कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आते। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ क्या, जिनके साथ हमारे दो दो कर्म आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, इसमें एग्जाम्पल में समझेंगे कि कौन कौन सी है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक हम ले रहे हैं कि अंकित देव मोहन अबो। ठीक, अंकित देव मोहन अबो, अंकित देव मोहन अबो। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अंकित देव मोहन का बुक। इसका मतलब क्या हुआ, अंकित देव मोहन का बुक, अंकित ने मोहन को एक पुस्तक दी। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि जगह कहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, हमें तो एक ही दिख रहा है। तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट हमें पहचानने के लिए कि दिए हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है, ये ट्रांसलेटिव वर्ब में आएगा या इंट्रांसलेटिव वर्ब में आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए सेंटेंस की हिंदी निकालते हैं। हिंदी निकालने के बाद उससे क्या करते हैं, उससे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, आपके दो ऑब्जेक्ट आएंगे, कैसे, अंकित ये मोहन का वो, अंकित ने मोहन को क्या दिया। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, पहला एक बनेगा अंकित ने मोहन को, मोहन को क्या दिया, ये आपका पहला बनेगा क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा किताब। तो यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। ठीक, अंकित ने मोहन को क्या दिया, तो उत्तर क्या होगा, किताब दिया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, अंकित ने किताब किसको दिया, दूसरा हम बनाएंगे अंकित ने किताब किसको दिया। ठीक, तो किसको, तो अंकित ने किसको किताब दी थी, तो यहां पे दिया था किसको, मोहन को, तो अंकित ने मोहन को किताब दिया। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मोहन। पहला हमारा सर अंकित ने मोहन को क्या दिया, तो अंकित ने मोहन को क्या दिया था, तो अंकित ने मोहन को किताब दिया था। और दूसरा, अंकित ने किताब किसको दिया, तो अंकित ने किताब किसको दिया था, मोहन को दिया था। तो हमारा दोनों हो गया ना, पहला ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे इसमें तो अब हो जाएगा, दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा।
अब हम यहाँ से एक चीज और देखेंगे कि यहाँ से हम सीखेंगे जब क्रिया से, ठीक, जब क्रिया से क्या का प्रश्न करना हो तो उसके उत्तर में जो है क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, जब क्रिया से क्या का प्रश्न करे तो उसके उत्तर में क्या आएगा, डायरेक्ट, यानी कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जब किसको के लिए किया जाए, ठीक, जब किसको का प्रश्न किया जाए तो उसके उत्तर में जो आता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी इनडायरेक्ट, यानी कि किताब आपकी क्या हो जाएगी, किताब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मोहन आपका क्या होगा, मोहन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो यहां से एक पॉइंट हम और सीखेंगे, क्या सीखेंगे देखते हैं। यहां से हम सीखेंगे कि जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ दो दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक, दो दो ऑब्जेक्ट हो या फिर दो ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या, व्यक्ति प्रदर्शित करने वाला, व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो व्यक्ति प्रकट करते हैं, तो जब जो व्यक्ति प्रकट करता है, प्रकट करता है उसे कौन सा, जो व्यक्ति प्रकट करता है उस ऑब्जेक्ट को, व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को, यहां पे ऐसे लिखेंगे, व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा वस्तु प्रकट करने वाले, तथा वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, हमने लिखा है जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म हो तो, व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट यानी कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु प्रकट करने वाले कर्म को कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसे हम समझेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक चीज हम ध्यान देंगे इससे पहले कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्या होता है, बाद में आता है, यानी कि पहले आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पहले आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक। अब इसमें हम पहचानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट कौन सा है इसमें और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो यहां से हम देखेंगे पहला क्या बताया, व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट। ठीक, तो व्यक्ति कौन सा प्रकट कर रहा है, हिम प्रकट कर रहा है, तो हिम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वस्तु कौन प्रकट कर रहा है, आबू प्रकट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे बी दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं क्या, इनडायरेक्ट। आप लोग समझ गए होंगे ना, वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी व्यक्ति प्रकट करने वाले को इनडायरेक्ट और वस्तु प्रकट करने वाले को डायरेक्ट। अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे हिम लिखा है, हिम को हम कैसे मानेंगे कि व्यक्ति प्रकट कर रहा है, तो हिम क्या होता है, जो ही होता है उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही तो हिम होता है, यही तो हमने पढ़ा था। जब हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसका पढ़ा था, तो हमने यही तो पढ़ा था कि ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है, यू का यू ही होता है, दे का क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ पे जो हिम है तुम्हारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अबुक जो है क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, हमने ले लिया क्या, सी टोल्ड अस अ स्टोरी, ले लिया
सी टोल्ड अस अ स्टोरी, सी टोल्ड अस अ स्टोरी। अब यहाँ पे देखो अस आया, तो अस भी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ स्टोरी क्योंकि ये वस्तु है या फिर किसी वस्तु या थिंग, हमने बताया था किसी वस्तु के बारे में अगर बोध होगा तो वहां पे क्या आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्ति के बारे में सॉरी वस्तु के बारे में अगर होगा तो डायरेक्ट, और व्यक्ति के बारे में होगा तो क्या इनडायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो व्यक्ति आपका अस हो गया तो ये होगा क्या इनडायरेक्ट, और आई स्टोरी में तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके डिफिनेशन वाइज समझेंगे, तब देखते हैं हमें समझने क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कैसे आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे किसे कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। तो यह ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं, उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए अथवा या फिर जिसके लिए कुछ किया जाए। ठीक, ये ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं जिसके लिए कुछ जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। अब यही पे हम देख लेंगे जी अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे हम, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट इसमें देखेंगे यह ऑब्जेक्ट उस वस्तु या ऑब्जेक्ट उस वस्तु या प्राणी को या ऑब्जेक्ट उस वस्तु या प्राणी को प्रकट करते हैं को प्रकट करते हैं जिसे क्या जो किसी को दी जाती है या जो किसी के लिए किया जाता है, या उस वस्तु या प्राणी को प्रकट करते हैं जो किसी को दी जाती है या फिर जिसके लिए क्या किया जाता है, जिसके जो कुछ किसी के लिए किया जाता है या फिर दिया जाता है या इसमें जो कुछ किसी के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे पहले दोनों की डिफिनेशन देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल देंगे इनको क्या करते हैं समझते हैं। यहाँ पे होता है यह ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट का देखेंगे पहले, यह ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट करते हैं जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उस वस्तु या प्राणी को प्रकट करते हैं जो किसी को दी जाती है या जो कुछ किसी के लिए किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे यहाँ पे आपको ये तो हमने किसी को दे दिया, यहाँ पे इसकी जगह हेल्प अगर आ गया तो हेल्प हम क्या करते हैं किसी को देते थोड़ी किसी की करते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें अगर कोई चीज हम दे रहे हैं तब भी वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगी या किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी क्या आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया ममता फॉर हर सिस्टर अपेन, हमने ले लिया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ममता बार
बार हर सिस्टर आ पेन। अब देखो ममता बार हर सिस्टर आ पेन, ममता ने अपनी बहन के लिए क्या किया है, पेन खरीदा। अब इसमें देखो यहाँ पे ममता बार हर सिस्टर आ पेन, अब ममता ने हमने बताया था कि इसके अगर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना है कैसे क्या है तो हम क्वेश्चन वाइज बनाएंगे, और व्यक्ति प्रकट करने वाले को हम क्या इनडायरेक्ट, और वस्तु प्रकट करने वाले को क्या डायरेक्ट। तो ममता बाट हर, ममता ने अपनी, तो अपनी का मतलब खुद की, तो खुद की क्या प्रकट कर रहा है, व्यक्ति प्रकट कर रहा है, तो यह आपका कौन सा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हर सिस्टर अपनी बहन को, तो यह आपका क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप पेन एक व्यक्त पेन, तो ममता ने अपनी बहन को एक पेन बाट मतलब बहन के लिए एक पेन खरीदा। तो देखो खरीदा तो जो कुछ किया जा रहा है अपनी बहन के लिए क्या कर रही है, एक पेन खरीद रही है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अपनी के लिए तो यानी कि व्यक्तित्व को प्रकट करना है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसको व्यक्ति को प्रकट करता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसको किसी वस्तु को प्रकट करता है। इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को दी जाएगी, जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस बन जाएगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगली वीडियो आपको दी जाएगी वर्ब का सेकेंड पार्ट, उसमें हम पढ़ेंगे कि जब जो है वर्ब में कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो तो उसके साथ कैसे क्या करते हैं। इस वीडियो को आप लोग सीखो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करना ना भूला करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता दो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप इसको फिर से समझा दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।